Hi everyone, this is Gitika Bhatia. Welcome back to our channel Divine Spec. Today we are going to talk about how can we attract life partner through Ho'oponopono prayer. तो बहुत बार ऐसा होता है कि life partner choose किया हुआ है लेकिन वहां से वो मान नहीं रहे हैं और आपकी शादी में delay हो रहा है या फिर आप बहुत time से ढूंढ रहे हैं और आपको कोई आपका right लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा है. तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस में कैसे Ho'oponopono वर्क करे, तो लाइक देखिए Ho'oponopono प्रेयर जो कि बहुत बहुत इजी हवाइन प्रैक्टिस है, इसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इस सिचुएशन की कि ये सिचुएशन जो हो रही है जहाँ पे शादी नहीं हो पा रही है या डिले आ रहा है, रिलेशनशिप ऑलरेडी है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, बट शादी नहीं हो पा रही क्योंकि समटाइम्स दैट पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि अभी करनी है शादी या उसके फैमिली मेम्बर्स नहीं मान रहे हैं. तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे अल्टीमेट रिजल्ट ये है कि शादी नहीं हो रही है. तो पहले तो आप इसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है, उसके लिए आप Ho'oponopono प्रेयर कीजिए जिसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं सिचुएशन की जो आपकी वजह से बन चुकी है, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, आपके थॉट्स ऐसे थे या आपने कुछ ऐसा किया या आपके पेरेंट्स को आप कन्विंस नहीं कर पा रहे या फिर आप सामने वाले आपके पार्टनर के पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. ये वाला मेडिटेशन, ये वाला चैंटिंग आप एवरी टाइम, डे में एवरी टाइम कीजिए. और उसके बाद ये तो आपका बिलीफ है इस प्रेयर के ऊपर, अब आपको एक्शन लेना है. देखिए अगर कभी भी ऐसा लग रहा है आपको कि वो पार्टनर आपका नहीं मान रहा तो उसको कैसे कन्विंस करना है वो आपने देखना है, उसके लिए एक्शन लेना है. उसके पेरेंट्स जो हैं उनको कैसे कन्विंस करना है, गिफ्ट्स देने हैं या उनसे जाके बात करनी है, उनको अपने बारे में बताना है, ये सारे गट्स रखकर आपको फ्रंट पे जाके बात करनी पड़ेगी, तब सिचुएशन सॉल्व होगी. ना कि पीछे बैठे बैठे बस सोचते रहेंगे और प्रेयर करते रहेंगे तो सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी. सो एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, नाउ वी कैन टॉक अबाउट कि एक्शंस तो हो गए, अब हम क्या करें जिससे अभी भी नहीं हो पा रहा, एक्शन भी लिया या फिर प्रेयर भी किया, अभी भी चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, ट्रैक पे नहीं आ रही हैं. सो देखिए कहीं ना कहीं आपको ये एनालाइज करना होगा कि यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, कहीं पे आपकी तरफ से उस रेडीनेस के लिए लैकिंग हो रहा है. जब ऐसा होता है तो आपको सोचना होगा, आपको देखना होगा कि क्या आप हैंडल कर पाएंगे अगर आपकी शादी हो जाती है, आप अपने स्पाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले पाएंगे, क्या आपके पास उतना बड़ा हाउस है जहाँ पे आप दो लोग एकोमोडेट हो सकें, या फिर आप वो पूरी फैसिलिटीज जो शादी के बाद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके लिए आप रेडी हैं, वो रेडीनेस है या नहीं है, आप जिस भी जॉब में हैं वहाँ से आप इतना अर्न कर पाते हैं या फिर आप जिस भी बिजनेस में हैं वहाँ से इतना अर्न कर पाते हैं कि शादी के बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम पूरी तरह से निभा पाएंगे, वो सारी रेडीनेस है या नहीं है. जब ये सब चीज़ें यहाँ पे पूरी नहीं होती हैं तो आप चैंटिंग कर रहे हैं, बाकी की सारी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन फिर भी डिले आ रहा है, दैट मीन्स यूनिवर्स देख सकता है, यूनिवर्स को मालूम है कि अभी ये चीज़ों में रेडी नहीं है आप. जब आप इन सब चीज़ों को देखते हुए कि आगे आप फोर्सी करेंगे कि इसके बाद शादी के बाद मुझे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी या हम दोनों को क्या रिक्वायर्ड होगा, वो सब चीज़ें पूरी हैं या नहीं है, वो हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हैंडल हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, वो सारी चीज़ें हो गई तो उसके बाद में आप देखेंगे कि जितनी भी सिचुएशन प्रॉब्लम में थी या नेगेटिव थी वो फट से पॉजिटिव हो जाएगी. तो एवरी टाइम वेन एवर यू आर चैंटिंग, यू आर प्रेइंग, यू आर मेडिटेटिंग, फर्स्टली 100% फेथ नीड्स टू बी देयर, वो वहाँ होना चाहिए. आप एक्शन के टाइम पे अपने पार्टनर को या उनकी फैमिली को, उन सबको कन्विंस कर रहे हैं, कर चुके हैं वो. उसके बाद आपको जो एनालाइज करना है फिर भी डिले आ रहा है, दैट मीन्स आप समझ जाइए कि अभी बाकी चीज़ों की रेडीनेस में प्रॉब्लम है, मुझे वहाँ पे वर्कआउट करना है, दैट इज़ द वर्कआउट एरिया जो मुझे करना है. तो वहाँ आप देखिए कि प्रॉपर पूरा
जितना बड़ा घर होना चाहिए या बाकी की फैसिलिटीज होनी चाहिए वो सब मुझे अरेंज करना है, उसके लिए आप वर्किंग कीजिए। जैसे ही वो वर्किंग पूरी हो जाएगी आपकी सिचुएशन वापस ट्रैक पे आ जाएगी, शादी भी बहुत जल्दी हो जाएगी, लाइफ पार्टनर अगर नहीं मिला है अभी तक तो वो भी मिल जाएगा। वो कैसे? क्योंकि जब हम ये बात करते हैं कि लाइफ पार्टनर की बात कर रहे हैं तो गर्लफ्रेंड इज ऑलरेडी देयर या बॉयफ्रेंड इज ऑलरेडी देयर, या आपने सोच के रखा हुआ है कि इनसे शादी करनी है, उनके पेरेंट्स को मना रखा है, लेकिन बाकी की चीजों पे वर्कआउट किया हो गया। अब एक सिचुएशन है जहाँ पे लाइफ पार्टनर अभी मिला ही नहीं है, फ्रेंड है ही नहीं जिसके बारे में आप सोच सके, तो अब आपको विजुअलाइज करना है, सोचना है पहले तो कि आपको एक अपना मिस्टर राइट या मिसेस राइट मिल चुका है, उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, वो आप पूरी तरह से रेडी कर चुके हैं कि शादी के बाद हमारे को इतना रूम्स का एक हाउस चाहिए या हमें कार चाहिए या हमारी सैलरी इतनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आप सोच चुके हैं, सोच के इसके ऊपर वर्क कर चुके हैं। वन थिंग, अब जो मेन एक्शन है आपको मैट्रिमोनियल साइट्स, मैट्रिमोनियल पेपर्स या कहीं पे भी इस जगह पे आपको अपने लिए जो आप एडवर्टीजमेंट्स दे सकते हैं वो कर सकते हैं, गेट टुगेदर्स में जा सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपको आपके लाइफ पार्टनर मिल सकते हैं, क्योंकि जब आप बाहर निकल के एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो बैठे बैठे ये प्रेयर वर्कआउट नहीं करेगी। तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि व्हाई आई एम जस्ट डूइंग इट एंड ये वर्क नहीं कर रहा है। वर्क हर टाइम करता है, लेकिन हमारी साइड से जब पूरी रेडीनेस नहीं होती है तब वर्क भी डिले हो जाता है। चाहे आप जितनी मर्जी चैंटिंग कर लीजिए, द मोमेंट यू विल गेट रेडी यूनिवर्स विल गिव यू एवरीथिंग व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तो आप जो मांग रहे हैं वो वैसे ही मिल जाएगा जैसे ही आपकी रेडीनेस पूरी होगी। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो हम सोचते हैं ये शादी के बाद की चीजें हैं, हमें अभी नहीं सोचना है, इन्हीं चीजों में हम लैग कर रहे होते हैं जब हमारी चीजों में डिले आता है। तो कोई भी और अगर आपको लगता है कि रीजन है जो बाद में रिक्वायर्ड होगा और मेरे पास ये चीज पूरी नहीं है, तो आप प्लीज उस चीज पे वर्कआउट कीजिए और आप देखेंगे कितनी जल्दी आपका काम बनता है। ऑलराइट, सो स्टार्ट चैंटिंग होपोनोपोनो प्रेयर, स्टार्ट विजुअलाइजिंग योर पार्टनर विद यू एंड एट योर होम, रोमिंग अराउंड, स्पेंडिंग टाइम विद यू विद योर फैमिली, एंड विजुलाइज अबाउट द फैमिली ऑफ योर पार्टनर, योर इन लॉज, कि वो सब आपसे बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से आपकी शादी हो गई है, आप लोग बहुत हैप्पीली रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप विजुलाइज कीजिए, उसके साथ में वर्कआउट कीजिए जहाँ रेडीनेस चाहिए बाद में। ओके, सो स्टार्ट डूइंग इट एंड वेरी सून थिंग्स विल कम ऑन ट्रैक एंड शादी भी हो जाएगी। All right. Okay, so thank you so much. Have a great day.